अर्थशास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अभी अपन ने मुद्रा पढ़ी थी पाठ 11, है ना। आज अपन पाठ 12 पढ़ेंगे, व्यापारिक एवं केंद्रीय बैंक। तो अपन को व्यापारिक और केंद्रीय बैंक के बारे में आज इस पाठ में आप क्या करोगे, अध्ययन करोगे। तो व्यापारिक बैंक और रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक मतलब व्यापारिक बैंक क्या होती है ना। बैंक आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का हृदय, मतलब एक वित्त सेल है। उन्होंने अपनी एक परिभाषा में लिखा है कि बैंक आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का हृदय और केंद्र बिंदु है। मतलब मुद्रा, अगर मुद्रा नहीं होगी तो बैंक नहीं होगा। इसलिए बैंक मतलब जो बैंक है वो आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का हृदय और क्या है, केंद्र बिंदु है। भारत में व्यापारिक बैंक का इतिहास अति प्राचीन है। मतलब जो भारत का व्यापारिक बैंक है उसका इतिहास कैसा है, अति प्राचीन है। यहाँ पे 1800 से 19वीं शताब्दी तक की अवधि में बैंक खुलते रहे और आसफल, मतलब उनको सफलताएं नहीं मिली बैंकों को। और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, मतलब जो बैंक खुले उनका, सन 1806 में कौन सा बैंक खुला, बैंक ऑफ बंगाल खुला। जो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुए। और उसके बाद 1863 में अपर इंडिया बैंक की स्थापना हुई और 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1874 में एलायंस बैंक खुला। फिर 1894 में नेशनल बैंक आदि की स्थापना हुई। मतलब इतने बैंक सनवाइज को मतलब खुले और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से अधिक बैंक स्थापित हुए और कैसे रहे, असफल भी रहे। लेकिन इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, नेशनल बैंक ये आज भी स्थापित हैं। बैंक ऑफ मुंबई भी है ना। फिर बहुत से बैंक स्थापित हुए और असफल रहे। 1935 में किस बैंक की स्थापना हुई, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। मतलब रिजर्व बैंक जो अपन को आज भारत सरकार को क्या करता है, नोट निर्गमित करता है। इसके बाद व्यापारिक बैंकों को दो भागों में विभाजित किया गया। व्यापारिक बैंकों को दो भागों में विभाजित किया। पहला है अनुसूचित बैंक, जिसमें अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, मतलब बैंकों को दो भागों में क्या किया, विभाजित किया गया। एक किलन ने बैंक की परिभाषा दी है कि नैले ने कि बैंक ऐसी संस्था है मतलब जो आपको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को क्या देती है, उधार देती है, उनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मुद्रा देती है और व्यक्ति अपनी अतिरिक्त राशि को क्या करता है, तो वहां पर बैंकों में अपनी अतिरिक्त राशि भी क्या करता है, जमा करता है। एक मतलब ये बैंक की एक परिभाषा है प्रोफेसर किलेन ने दी हुई है आपको बच्चों। मतलब कोई बैंक के बारे में पूछेगा तो बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1935 में। फिर आपको पूछा जाएगा कि बैंक की परिभाषाएं लिखी, तो कम से कम दो राइटर की परिभाषाएं तो आपको याद होनी चाहिए ऐसे बच्चे। तो आपको मैंने एक किलेन की परिभाषा बताई। उसके बाद है बेटा कि भारतीय प्रामंडल, मतलब ये भारतीय प्रामंडल है उस अधिनियम के अनुसार, मतलब सन 1949 के अनुसार बैंक से तात्पर्य, मतलब भारतीय प्रामंडल ने अपनी परिभाषा दी है कि ऋण देने, विनियोजन करने और जनता से जमा धन कराना, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है, उसे चेक, मतलब चेक, ड्राफ्ट या अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है, उसे उचित परिभाषा, मतलब ये एक जो परिभाषा है इससे अध्ययन से पता चलता है कि प्राय सभी परिभाषाएं बैंक द्वारा किए गए कार्यों को स्पष्ट किया गया है। तो जो ये कौन सी परिभाषा है, ये बैंक की भारतीय प्रामंडल द्वारा आपको एक उचित परिभाषा निर्देशित की गई है, जिसमें चेक, ड्राफ्ट या अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा ही आप उसको क्या करते हैं, बैंक का संचालन कर सकते हैं। उसके बाद है इसके द्वारा रखे गए दोषपूर्ण स्पष्ट, वेबस्टर, एक वेबस्टर ने भी अपनी परिभाषा दी है। उनके अनुसार बैंक वह संस्था है, मतलब बैंक
औद्योगपूर्ण से स्पष्ट है कि वेबस्टर के अनुसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, मतलब बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय, मतलब बैंक में सारे जमा, मियादी जमा, ऋण, सब चीज के लिए जो बैंक है जो अपन का मुद्रा का मतलब हस्तांतरण भी करती है और निर्गमन भी करती है। यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का मतलब जहाँ पर हम धन का जमा संरक्षण तथा निर्गमन किया जाता है। ऋण कटौती की भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें अपन को ऋण और मतलब और कटौतियों की भी क्या करते हैं सुविधा प्रदान है, और एक स्थान से दूसरे स्थान रकम भेजने की भी व्यवस्था की जाती है। मतलब अगर अपन चाहें कि एक बैंक से अपन अगर भारत में है और अगर अपन विदेश में भी अगर मुद्रा का हस्तांतरण करना चाहें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम आसानी से व्यवस्था का भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये एक तरफ आपकी परिभाषा हो गई। इसके बाद है बेटा उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर, मतलब जो परिभाषाएं थी उसके आधार पर बैंकर उसे कहा जाता है, मतलब जो बैंकर किसे कहा जाता है उसके निम्नलिखित दशाएं हैं, मतलब निम्नलिखित जो कारण है जिसके कारण। तो पहला है बेटा अनेक खातों के माध्यम से जनता जमा प्राप्त करना, मतलब अनेक खाताओं से जनता के माध्यम से मतलब जमा प्राप्त करना। दूसरा होता है जमाओं की वापसी, मतलब जमा होते हैं उनकी वापसी मांग तथा अवधि पूरी होने पर की जाती है। मतलब आप कोई भी मियादी खाता खोलो अगर आप चाहोगे तो एक अवधि पूरी होने पर भी आपको वह पैसा प्राप्त होगा। जो जमाएं बैंक के पास होती हैं उसका आधार विनियोग के काम में लाया जाता है, मतलब जो आप बैंक में जमा करते हैं मतलब बैंक उसे विनियोग के काम में आधार मतलब उसे ले लेती है। अपने ग्राहकों के लिए उन्हें चेक संग्रहण, मतलब वह अपने बैंक अपने ग्राहकों के लिए चेक का संग्रहण करता है। पांचवा है बैंकिंग व्यवसाय उसका प्रमुख व्यवसाय होता है, मतलब बैंक का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, बैंकिंग का मुख्य व्यवसाय क्या है, बैंकिंग मतलब मुद्रा का हस्तांतरण, और मतलब उसको कहा ही है कि बैंक का मुद्रा ही बैंक का क्या है, व्यवसाय है। तो ये आपकी पांच दशाएं हैं बेटा। पहला है खातों के माध्यम से जनता का जमा, दूसरा है जमाओं की वापसी, तीसरा जमा बैंक के पास आधार विनियोग में काम लाता है, और चौथा है ग्राहकों के लिए चेक का वो क्या करता है, संग्रहण करता है, और पांचवा बैंकिंग व्यवसाय उसका क्या है, प्रमुख व्यवसाय है। तो इसके बाद है बेटा व्यापारिक बैंक का अर्थ, मतलब व्यापारिक बैंक का क्या अर्थ होता है। तब जो व्यापारिक बैंक दो भागों में है, व्यापारिक बैंक और तो व्यापारिक बैंक का आशय होता है उन बैंकों से जिनकी स्थापना इंडिया कंपनीज मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई और सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न कराने में वह क्या हो सक्षम होता है, जो इन उसकी स्थापना भारतीय इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई हो और उसमें साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न कराते हुए, मतलब उसमें कौन कौन से बैंक आएंगे आपके, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है ना, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि जो है वो व्यापारिक बैंकों को प्रमुख रूप से मतलब जो ये व्यापार है मतलब जो बैंक है ये व्यापारिक रूप से प्रमुख दो भागों में भी इनको क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। ये इंडियन कंपनीज वाले बैंक हैं कौन कौन से हैं आपको बता दूं बेटा, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब व्यापारिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। और व्यापारिक बैंकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनको भी व्यापारिक बैंकों को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दो व्यापारिक बैंक कौन कौन से होंगे, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक वो होते हैं जिन बैंकों में रिजर्व बैंक अपनी दूसरी सारणी से सम्मिलित रखा अनुसूचित बैंक कहते हैं, उनकी निम्नलिखित शर्तें, अनुसूचित बैंक की भी क्या है निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला है इन बैंकों को अधिक अनुसूचित
बैंक होते हैं ये व्यापारिक बैंक के दो भागों में विभाजित किया है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो इनको, इन बैंकों को अधिकृत पूंजी रिजर्व बैंक कोष से मिलाकर कम से कम 5 लाख के बराबर होनी चाहिए, इसकी ये शर्त होती है। इन बैंकों की अपनी मांग एवं समय देने पर 15% भाग रिजर्व बैंक के पास क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। मतलब जो अनुसूचित बैंक के, इनमें कम से कम 5 लाख रुपए का कोष होना चाहिए और बैंकों की अपनी मांग और समय, मतलब जो देता है वह कितने परसेंट, 15% भाग रिजर्व बैंक के पास क्या रखा होना चाहिए। तो इसके इन बैंकों में प्रति सप्ताह अपनी स्थिति विवरण भेजना, मतलब इन बैंकों को, रिजर्व बैंक को, मतलब अपनी स्थिति प्रति सप्ताह भेजनी होती है। ये बैंक अपने कार्य को संलग्न नहीं, मतलब ये ऐसे बैंक हैं जो संलग्न नहीं होते, जो जमा करता है हित में ना हो। इन बैंकों को रिजर्व बैंक कुछ विशेष सुविधा भी क्या करता है, प्रदान करता है। मतलब इन बैंकों को रिजर्व बैंक भी कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि ऋण बिलों का पुनः भुनाना, मतलब जो ऋण जो बिल होते हैं उनको तुरंत भुना, और सस्ती धन हस्तांतरण सेवाएं, समाज संशोधन की सुविधा भी क्या करता है, देता है। ये अनुसूचित बैंक के क्या है, शर्तें हैं। फिर उसके बाद व्यापारिक बैंक के कार्य निम्नलिखित हैं, मतलब जो व्यापारिक बैंक हैं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। उसमें बेटा अपन ने गैर अनुसूचित बैंक भी है बेटा, गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आपको जो अनुसूचित बैंक है, इसके बाद आपके लिए है बेटा दूसरा, इसका है गैर अनुसूचित बैंक। पहला हो गया ये, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा है ना, तो ये अनुसूचित बैंक। तो पहला है अनुसूचित बैंक, दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। इसमें अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक की सारणी में शामिल नहीं किए जाते और बैंकों को अधिकृत पूंजी ये रिजर्व बैंक को से मिलाकर इसकी भी क्या होनी चाहिए, जो होता है 5 लाख से कम मतलब होनी चाहिए, और उसमें प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास, मतलब कितने परसेंट, इसमें भी 15% जो होता है वो रिजर्व बैंक में क्या होता है, रिजर्व बैंक के पास, मतलब उसको रखना होता है समावधि के लिए। और इन बैंकों को रिजर्व बैंक कोई विशेष नियंत्रण, मतलब जो गैर अनुसूचित बैंक है उसमें रिजर्व बैंक का कोई विशेष, मतलब उनको नियंत्रण नहीं देती। ये दो कारण हो गए बेटा। फिर इसके बाद है व्यापारिक बैंक के कार्यों को, मतलब जो व्यापारिक बैंक है उनके क्या कार्य हैं, निम्नलिखित व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य दो हैं, सॉरी निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है जमा का निषेध करना, मतलब जो व्यापारिक बैंक के काम है उसमें जमा के निषेध में भी, इसके अंतर्गत भी बेटा चार कार्य हैं। फिर दूसरा है ऋण व उधार देना, तीसरा है अभिकर्ता और प्रतिनिधि संबंधी कार्य करना, और इसके बाद है विविध कार्य, और पांचवा है अतिरिक्त और विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन करना, और छठवा है साख का निर्धारण करना। तो पहला है जमा का निषेध, दूसरा है ऋण अथवा उधार देना, ये बैंक का कार्य है, सब व्यापारिक बैंक के कार्य है। फिर ये है अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि संबंधी कार्य करना, फिर विधि, मतलब विधि विविध कार्य करना, और अतिरिक्त एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन और साख का क्या करना, निर्धारण, मतलब अतिरिक्त विविध कार्य और साख का निर्माण करना। ये सब क्या है बेटा, व्यापारिक बैंक के कार्य है। तो सबसे पहला कार्य है जमा और निक्षेप कार्य, मतलब जो रिजर्व बैंक का, सॉरी व्यापारिक बैंक का पहला। तो व्यापारिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है वस्तुओं को जमा करने के रूप में, मतलब वस्तुओं को जमा के रूप में प्राप्त करना। व्यक्ति के पास अतिरिक्त मुद्रा होती है, उसे बैंक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या करता है, वह राशि एकत्रित करता है और राशि को बैंक पर ब्याज दिया जाता है और जमा करता है, चाहे राशि बाद में उसे वापस
व्यक्तियों के पास जो अतिरिक्त मुद्रा होती है उसको जमा योजना के अंतर्गत क्या करता है, राशि को एकत्रित करता है, मतलब जो अतिरिक्त राशि होती है वो क्या करता है, एकत्रित करता है और उस पर उसको उस बैंक द्वारा उसे क्या किया जाता है, ब्याज दिया जाता है। ब्याज प्राप्त अपनी चाहे वह अपनी राशि जब कभी भी प्राप्त कर सकता है। और व्यापारिक बैंक ग्राहकों को निम्नलिखित प्रकार के खातों की क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। तो पहला है चालू खाता। जो चालू खाता होता है सबसे पहला, मतलब चालू खाता जैसे कि खाते में जमा करता अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे पैसा जमा कर सकता है और जब चाहे वह उसका आहरण कर सकता है। जमा राशि पर वह चेक के द्वारा भी निकाल सकता है। व्यापारी उद्योगपति पूंजीपतियों को इससे अत्यंत लाभदायक और ये सबसे सुविधाजनक खाता होता है। इससे ड्राफ्ट और कई प्रकार की राशियों का व्यापार के लिए स्थान। फिर उसके बाद दूसरा है बचत खाता। तो बचत खाता मतलब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में बचत को भी महत्व देता है। इसमें वेतनभोगी कर्मचारी समान रूप से व्यक्तियों के पास जो पैसा एकत्रित होता है तो वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो पैसा बचता है, जो रकम बचती है, उसे क्या करता है, बैंक में जमा करता है बचत खाते के रूप में। और उसे सुविधा अनुसार एक या दो बार ही, मतलब उसको उन पैसों को निकालने की सुविधा महीने में एक या दो बार ही होती है। फिर होता है स्थायी जमा। स्थायी जमा के अंतर्गत जमा करता एक निश्चित अवधि, मतलब एक निश्चित अवधि मान लीजिए रेकरिंग कहते हैं जिसे, स्थायी अवधि मतलब एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, तीन महीने के लिए, इस टाइप से वो क्या करता है, पैसे जमा करता है और अवधि पूर्ण होने पर उसे क्या करता है, रकम निकाल सकता है। मतलब उसे जब वह पैसा जमा करता है तो उसे एक रसीद मिलती है और उसमें तारीख, मतलब आपने आज जैसे कि आज पैसा जमा किया, तीन महीने बाद आपने निकाले तो उसे तीन महीने बाद ही उसको पैसा प्राप्त होगा, वह उसको पहले नहीं निकाल सकता। जमा खातों में जमा कर की गई रकम को लौटाई जा सकती है, लेकिन जमा करते समय पूर्व रकम की आवश्यकता, रसीद और जमा, मतलब उसे उस जमा पर वह ऋण भी ले सकता है ऐसा। तो ये हो गया जमा निक्षेप प्राप्त का, मतलब जो उसकी निम्नलिखित मतलब खातों में सुविधाएं दी है। तो चौथा हो गया बेटा, चौथा है घरेलू बचत। मतलब जो घरेलू बचत से धन जमा करते हैं अपन, उसकी सुविधाएं जैसे कि मान लो एक गुल्लक हो गई, तिजोरी हो गई, इससे अपन छोटी छोटी बचतें करते हैं और एक निश्चित अवधि में उसे जब बैंक, मतलब जब गुल्लक है उसमें जब घरेलू बचत में जब पैसा ज्यादा जमा हो गया अपन ने बैंक में, तो ये फिर अनिश्चितकालीन जमा खाता। मतलब ऐसा अनिश्चित जमा खाता अनिश्चित काल के लिए, मतलब अनिश्चित से मतलब अनिश्चित काल के लिए अपन खाता क्या करते हैं, ये बनाते हैं। पांचवा हो गया। तो इसमें आप विशेष परिस्थितियों में राशि जमा कर सकते हो और विशेष परिस्थितियां पड़ने पर इससे आप क्या कर सकते हो, राशि निकाल सकते हो और इससे आपको अधिकतम लाभ भी प्राप्त होते हैं। और ये अधिकतम मतलब इस अनिश्चित काल में इसमें ब्याज दर भी अधिक होती है। जो ब्याज की दर होती है वह कैसी होती है, अधिक होती है। फिर उसके से भारत में ऐसे खाते विशेष तौर पे क्या है, बहुत लोकप्रिय होते हैं। उसके बाद है बेटा ऋण अथवा उधार देना। तो आपको बता दूं जो व्यापारिक बैंक है उसका दूसरा मुख्य कारण है, मुख्य महत्वपूर्ण है ना, व्यापारिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण है कार्य है ऋण प्रदान करना। विभिन्न क्रेताओं विक्रेताओं को वह एकत्रित मतलब बैंक द्वारा एकत्रित किए गए जो पैसे होते हैं वह जरूरतमंद व्यक्तियों को, मतलब जो उनको जरूरत है, जरूरतमंद व्यक्ति, व्यापारिक औद्योगिक संस्थाओं व अन्य संस्थाओं को ब्याज पर उधार दिया जाता है और उसकी ब्याज की दर उसकी मतलब तुलना में कैसी होती है, अधिक होती है। और व्यवसाय का मतलब जो बैंकिंग व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, कम ब्याज पर जमा प्राप्त करना। मतलब अपन जो जमा करते हैं उसमें अपन को ब्याज कैसा देता है, कम देता है, और जब वो ऋण देता है अपन को तो क्या करता है, उस उधार पर वो अपन से दुगना ब्याज लेता है। तो उसका व्यवसाय ही ऐसा है ना, बैंकिंग व्यवसाय का उद्देश्य होता है
कम ब्याज पर भी है, कम ब्याज पर जमा प्राप्त करना और अधिक ब्याज पर आपको बैंक क्या करता है, उधार देता है और क्या करता है, लाभ कमा, उसको लाभ होता है, लाभ कमाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है बैंक द्वारा। समानता निम्नलिखित प्रकार से, मतलब सबसे पहले है नगद साख, यह उद्योगपति व्यापारियों पूंजीपतियों के लिए क्या है, प्रतिभूति का आधार है, मतलब ये एक प्रकार से प्रतिभूतियां हैं, प्रतिभूतियां हैं नगद साख। फिर है अधिविकर्ष, अधिविकर्ष राशि जो होती है, अधिक राशि निकालने के लिए उसे अधिविकर्ष कहते हैं, मतलब जो अपन जमा करते हैं उसको निकालने के, और अगर आधी राशि निकाल, अधिक राशि निकालेंगे, मान लीजिए आपके पास 50 लाख जमा है और आपको 40 लाख निकालना है, तो अधिविकर्ष मतलब ज्यादा राशि निकालने, उसमें तब निकालने को क्या कहते हैं, अधिविकर्ष कहते हैं। यह सुविधा विश्वसनीय ग्राहकों को दी जाती है और इससे बैंक अधिविकर्ष अधिकतम सीमा पर निर्धारित की जाती है। ग्राहक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कितनी राशि अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है और यह आवश्यकता अनुसार राशि समय समय पर, मतलब जो मतलब बैंक में जमा करता है वह समय समय पर मतलब इस राशि को क्या कर सकता है, अधिक से अधिक राशि को क्या कर सकता है, जमा करता क्या कर सकता है, निकाल सकता है। फिर है ऋण और अग्रिम, मतलब जो बैंक अपने ये ऋण अग्रिम और प्रतिविधियों के आधार पर हमें एक प्रकार की पूरी ऋण सुविधा दी जाती है, उस पर अपन को ब्याज भी लगाया जाता है। अधिविकर्ष और नगद साख से ये क्या होता है, भिन्न होता है और इसमें ब्याज दिया जाता है, इसमें राशि जितनी आपने निकाली है उस पर ब्याज लगता है, और लेकिन ऋण व अग्रिम ऐसा नहीं होता। ऋण व अग्रिम स्वीकृति के बाद उस पर उपयोग किया गया पूरी राशि पर आपको, मतलब आपको 50, जैसे आपने 5 लाख लिया तो उस 5 लाख की राशि पे आपको क्या करना देना पड़ेगा, आपको ऋण का अग्रिम ब्याज देना पड़ेगा। फिर है व्यापारिक बिलों की कटौती, तो आधुनिक समय में विभिन्न विषय मतलब जो विपत्र हैं बुनाकर उन पर ऋण की पद्धति लोकप्रिय है, इसके अंतर्गत बैंक व्यापारिक विपक्षों को अल्प अवधि में, मतलब जो अल्प अवधि मतलब कम समय के लिए परिपक्वता आदरता और कमीशन काट कर विपत्र भी देता है, मतलब अपन को विपत्र की शेष राशि भी दी जाती है और परिपक्वता की तिथि में आर्ता को जो राशि प्राप्त होती है वह अल्पकालिक होते हुए भी सुरक्षित रखते हैं। तो ये हो गए बेटा आपके ऋणदाता अथवा उधार देना, ये व्यापारिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तो उसके अंतर्गत आएगा नगद साख, अधिविकर्ष, ऋण व अग्रिम और व्यापारिक बिल। तो बच्चों आपने आज व्यापारिक बैंक और केंद्रीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत बैंक की परिभाषा पढ़ी, बैंक की कुछ बैंक के प्रकार पढ़े आपने, नहीं आपने गैर व्यापारिक बैंक की, गैर व्यापारी बैंक और अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक दो प्रकार देखे। उसके बाद आपने मतलब जो व्यापारिक बैंक के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें पहला कार्य था जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना, ये पढ़ा। उस जमा और निक्षेप के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं आपने देखे, चालू खाता, बचत खाता, स्थायी खाता, घरेलू खाता और अनिश्चित खाता, ये 5 प्रकार के खाते उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है बेटा ऋण व उधार, तो ये व्यापारिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है और इसके अंतर्गत आपने नगद साख, अधिविकर्ष, ऋण, अग्रिम और व्यापारिक बिल की कटौती, तो मतलब आपको उसमें नगद साख प्राप्त होता है, उसको अधिविकर्ष प्राप्त होते हैं, ऋण व अग्रिम और व्यापारिक बिल की कटौती आपने आज व्यापारिक। अब अगले नेक्स्ट पीरियड में अपन व्यापारिक बैंक के अन्य कार्यों का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।